गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं यतेंद्र बड़ोनिया आज आपको सदिश बीजगणित के बारे में कुछ चीज़ें समझाऊंगा। जैसा कि हमारा टॉपिक है सदिश बीजगणित, वेक्टर एलजेब्रा। इसके अंतर्गत सबसे पहले है भौतिक राशियाँ। जैसा कि हमें पता है वे सारी राशियाँ जिनका हम मापन कर सकें, जिनको हम माप सकते हैं, उन्हें भौतिक राशियाँ कहा जाता है। भौतिक राशियों को परिमाण व दिशा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहली है अदिश राशियाँ, दूसरी है सदिश राशियाँ। तो पहली है अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज, ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड होती है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। तो इसमें परिमाण क्या होता है? परिमाण के अंतर्गत दो चीज़ें शामिल होती हैं। पहला होता है किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान और दूसरा होता है उस भौतिक राशि का मात्रक। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की लंबाई मापने पर 10 मीटर प्राप्त होती है, तो यहाँ पर जो 10 मीटर है इसी को हम उस भौतिक राशि का मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमाण कहते हैं। तो वे राशियाँ जिन्हें केवल परिमाण बताने से पूरा अर्थ निकल आता है वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं। दूसरी राशियाँ हैं सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज। इन राशियों में दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है परिमाण, दूसरी होती है दिशा। जैसे मान लीजिए मैं 10 मीटर पूर्व दिशा में जाता हूँ, तो यहाँ पर 10 मीटर परिमाण है और पूर्व दिशा है, अर्थात इन दोनों चीज़ों को बताने से ही भौतिक राशि की पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर विस्थापन एक सदिश राशि होगी। आगे देखा जाए तो अदिश राशियों के अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे द्रव्यमान, विद्युत धारा, दूरी। सदिश राशियों के उदाहरण देखें तो बल, भार, विस्थापन आदि। यहाँ पर विद्युत धारा को हम जनरली सदिश राशि मान लेते हैं, लेकिन धारा की वास्तव में कोई दिशा नहीं होती है। हम मान के चलते हैं किसी वायर में धारा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर फ्लो हो रही है, वास्तव में ये धारा का प्रवाह नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है उसके विपरीत दिशा में हम ये मानते हैं कि धारा बह रही है, अर्थात धारा की स्वयं की कोई दिशा नहीं है, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा पर निर्भर है। इस कारण धारा को एक अदिश राशि माना जाता है। इसके बाद देखा जाए अगर हमें अदिश राशियों में गणितीय प्रक्रियाएं करनी है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, तो इनके लिए हम साधारण बीजगणितीय विधि का उपयोग करते हैं। जैसे लोअर क्लासेस में हम पढ़ते हैं 5 और 5 को ऐड करेंगे 10 आएगा, तो यही प्रक्रिया अदिश राशियों को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग आदि में उपयोग में लाई जाती है। सदिश राशियों के लिए साधारण गणितीय विधि पर्याप्त नहीं है, इसे जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने के लिए हमें एक नए बीजगणित की आवश्यकता होती है, जिसे हम सदिश बीजगणित कहते हैं। इस चैप्टर में हम इसी सदिश बीजगणित को डिटेल में समझेंगे कि किस तरह भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है, किस तरह घटाते हैं, किस तरह गुणा किया जाता है, किस तरह भाग लगाया जाता है, तो यह हमें इस चैप्टर में आगे सीखने को मिलेगा।
अगर हमें किसी अदिश राशि को व्यक्त करना है तो हम इस अंग्रेजी के स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं। जैसे हमें अगर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करना है तो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहा जाता है, तो इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। सदिश राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल्ड लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपल लेटर पर एरो लगा सकते हैं। जैसे हमें बल को रिप्रेजेंट करना है, बल को इंग्लिश में फोर्स कहा जाता है, तो हम इसको डार्क लेटर में एफ लिख सकते हैं या नॉर्मल लेटर में एफ लिखकर उस पर एरो लगा सकते हैं या फिर इटैलिक फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अदिश राशियों का जो वियोजन है वह संभव नहीं है। वियोजन का मतलब होता है विभक्त करना, तोड़ना, अर्थात किसी एक अदिश राशि को अनेक भागों में तोड़ पाना संभव नहीं होता है। जबकि हम सदिश राशियों को वियोजित कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जितने भी वियोजित होने वाले भाग हैं उन सभी को मिलाकर दोबारा सदिश राशि प्राप्त हो जानी चाहिए। इसके बाद देखते हैं सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, किस तरह किसी सदिश राशि को प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा, सदिश को अगर हमें प्रदर्शित करना है तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, पहली मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यह एक लाइन प्रदर्शित है पी क्यू, जिसमें पी ओरिजिन है, मूल बिंदु है, तथा क्यू हेड है, शीर्ष है। पी से क्यू की ओर एक एरो बना हुआ है, यह एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी से क्यू तक की जो लेंथ है यह उस सदिश के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार किसी सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो लगी हुई एक लाइन का उपयोग करते हैं। एरो की डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से हेड की ओर होती है। इसके बाद है सदिश का परिमाण, जिसे मापांक इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है? सदिश की जो माप है उसी को परिमाण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी तार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ही उस सदिश का मैग्नीट्यूड है। या मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, तो यहाँ पर 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड होगी। अर्थात मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें शामिल होती हैं। पहला होता है उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, दूसरा होता है उस भौतिक राशि का मात्रक। इन दोनों को मिलाने से उस वेक्टर की हमें मैग्नीट्यूड पता चलती है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि किसी सदिश का परिमाण किस तरह की राशि है। सदिश का परिमाण एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इस परिमाण में कोई दिशा नहीं है। परिमाण में केवल संख्या और मात्रक होते हैं, अर्थात यह एक अदिश राशि है। इसके बाद देखते हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर्स, सदिश के प्रकार। सदिश का जो पहला प्रकार है वह है इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश। दो सदिश हैं, समान सदिश दो या दो से अधिक सदिशों की तुलना के आधार पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो सदिश दर्शाए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। यहाँ पर ये तीर वाली रेखा इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और दोनों का डायरेक्शन भी एक जैसा है। तो अर्थात यदि दो सदिश हैं, दोनों सदिशों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, दोनों सदिश के डायरेक्शन सेम हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो सदिश होंगे उन्हें हम समान सदिश कहेंगे। जैसा कि हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यानी दोनों सदिशों के जो परिमाण हैं वह आपस में बराबर हैं।
दोनों सदिशों की दिशाएं भी समान हैं, तब हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों समान सदिश हैं। दूसरा प्रकार है नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर, ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश। यहाँ पर दो सदिश बनाए गए हैं, ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सदिशों को हम विपरीत सदिश कहते हैं, अर्थात दो सदिश जिनके परिमाण समान हो लेकिन दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट हों, तो वो सदिश नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यानी दोनों सदिशों के परिमाण बराबर हैं, बट ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है यह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अगला जो प्रकार है वह है समांतर सदिश पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों सदिश के डायरेक्शन सेम है, दोनों सदिश एक ही डायरेक्शन में, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, और किसी स्पेशल कंडीशन में दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो सकते हैं। तो जब दो सदिशों के डायरेक्शन सेम होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो ऐसी स्थिति में जो दो सदिश होंगे उन्हें हम समांतर सदिश कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, अर्थात ए वेक्टर समांतर है बी वेक्टर के। अगला जो सदिश है वह है यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। एक सदिश है जिसका मैग्नीट्यूड वन है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक जाता है और इस दौरान वह एक मीटर का विस्थापन करता है, तो उसका जो विस्थापन है वह एकांक है। तो यदि किसी सदिश का जो परिमाण होता है वह एक होता है तो उस सदिश को हम एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश को हम इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं, ए कैप, इस साइन को हम कैप या कैरेट पढ़ते हैं जो कि एकांक सदिश को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी एकांक सदिश बराबर सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। अगला है जीरो सदिश शून्य वेक्टर। ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो होता है, जैसे कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का लगाता है लेकिन दीवार का जो विस्थापन है वो नहीं होता है, यानी दीवार का जो विस्थापन है वह जीरो है, तो यहाँ पर जीरो विस्थापन हुआ अर्थात विस्थापन शून्य हो गया, परिमाण शून्य हो गया, तो इस सदिश को हम शून्य सदिश कह सकते हैं, अर्थात इसमें मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, यानी सदिश का परिमाण शून्य। इसे हम सदिश जीरो पर वेक्टर लगाकर या फिर डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला सदिश है पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष ज्ञात की जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है, अब इस वस्तु का निरपेक्ष अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, इसका हम किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष अध्ययन करते हैं। मान लीजिए इसका अध्ययन हम बिंदु O के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इस बिंदु O को हम रेफरेंस पॉइंट कहेंगे या निर्देश बिंदु कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सदिश बन रहा है इस सदिश को बोला जाता है स्थिति सदिश, अर्थात वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी क्षण वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अगला सदिश है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश। जैसे ये एक स्थिति सदिश है ओपी वेक्टर, अब यहाँ से किसी
व्यक्ति के द्वारा इस दिशा में विस्थापन किया गया और व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ पर एक नया स्थिति सदिश बना ओ क्यू वैक्टर। अगर हम ओ पी वैक्टर को आर वन से रिप्रेजेंट करें, ओ क्यू वैक्टर को आर टू से रिप्रेजेंट करें, तो पी क्यू वैक्टर को हम एस वैक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर विस्थापन है। अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा जो विस्थापन तय किया जाता है, उसी को हम विस्थापन सदिश कहते हैं। इसे निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, पी क्यू वैक्टर इक्वल्स टू ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर। यहाँ पर हमने पी क्यू को एस वैक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इसके प्लेस पर हमने एस वैक्टर लिखा। इसी तरह ओ क्यू के प्लेस पर आर टू वैक्टर और ओ पी के प्लेस पर आर वन वैक्टर। तो इसको लिखा जा सकता है एस वैक्टर इक्वल्स टू आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। तो इस तरह हमने आज सदिश क्या होते हैं, सदिश और अदिश राशियों में अंतर कैसे किया जाता है, सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, सदिश का परिमाण क्या होता है और सदिश के प्रकारों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।